बीजेपी ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी है। अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। बता दें, जयपुर में विधायक दल की बैठक में इसे लेकर फैसला लिया गया और भजनलाल शर्मा को राजस्थान सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद जनता का पूरा ध्यान राजस्थान पर था, जिसका खुलासा आज कर दिया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे किया गया जिसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं थी। बता दें, भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं। सांगानेर सीट भाजपा की गढ़ मानी जाती है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूँ कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। बता दें कि वसुंधरा राजे ने सीएम पद के लिए भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई।